हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी प्रकार से चल रही होगी। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो स्पेशली झारखंड बोर्ड के 10th क्लास और 12th क्लास के बच्चों के लिए होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इन बच्चों को पास होने के लिए 2024 के अंदर कितने मार्क्स लाने होंगे। देखो बच्चों, आपकी तैयारी अच्छी चल रही है लेकिन फिर भी माइंड के अंदर एक साइकोलॉजी बनी होती है कि पासिंग मार्क्स क्या होता है, कितने नंबर हमें चाहिए पास होने के लिए। जब भी कोई बच्चा बोर्ड एग्जाम देता है तो उसके मन में ये डाउट हमेशा बना रहता है। तो आज इस डाउट को हम खत्म करने के लिए आप सभी के सामने हाजिर है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा बोर्ड पर, झारखंड बोर्ड 10th एंड 12th पासिंग मार्क्स 2024। यहां हम बात करेंगे 10th क्लास के बच्चों की, यहां हम बात करेंगे 12th क्लास के बच्चों की। पहले मैं बात करता हूं 10th क्लास के बच्चों की। देखिए, डिपेंड करता है पासिंग मार्क्स प्रैक्टिकल और नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के ऊपर। यदि आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो पासिंग मार्क्स थोड़ा चेंज हो जाएगा, यदि आपका नॉन प्रैक्टिकल है तो पासिंग मार्क्स थोड़ा चेंज हो जाएगा। बात करें यदि 10th क्लास की बच्चों की तो यहाँ कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता नहीं है, बट 12th क्लास में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी होते हैं और नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी होते हैं, लेकिन जो 10th क्लास है उसमें सिर्फ नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ही होते हैं। तो पहले बात कर लेता हूं मैं नॉन प्रैक्टिकल जो सब्जेक्ट होंगे उनमें आपको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए। जो पासिंग क्राइटेरिया नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का 10th क्लास का होगा, सेम वही आपका फंडा 12th क्लास के साथ भी चलने वाला है। सेम है, इक्वल नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए। और जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होगा उसकी हम अलग से बात कर लेंगे। देखिए, जो 10th क्लास के बच्चे हैं उनका जब एग्जाम होगा बोर्ड का 2024 के अंदर, तो जो का पेपर होने वाला है वो होगा आपका 80 नंबर का। कितने नंबर का होगा प्यारे बच्चों? 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा, ठीक है। और 20 जो नंबर होते हैं वो आपके 17 के स्कूल की तरफ से भेजे जाते हैं। अब वो 20 भी भेजे जा सकते हैं, 19, 18 इसके आसपास ही भेजे जाते हैं, बट वो भेजे जाएंगे स्कूल की तरफ से, ठीक है। और जो आपका एग्जाम होगा वो आपका 80 नंबर का लिया जाएगा। अब 80 नंबर में से आप कितने नंबर लाओ कि आप पास हो जाओ। देखिए, जो क्राइटेरिया रखा गया है झारखंड बोर्ड के द्वारा पासिंग मार्क्स का, वो है 33%। यदि आप 33% ले आते हो किसमें बच्चों? थ्योरी में। थ्योरी का मतलब जानते हो सभी? थ्योरी का मतलब है जो आपका एग्जाम हुआ है ना। तो आप 80 का 33% निकालो बच्चों, परसेंट हटा तो नीचे आया 100, ठीक है। अब देखिए, एक जीरो से एक जीरो कट गया आपका, ठीक है। 33 से आप मल्टीप्लाई करो 8 को, देखो 8 3 24, 4 हासिल आई 2, 8 3 24, 24 और 2 26, बटा में 10। यदि आप 264 में भाग लगाते हो 10 का, तो ये 26.4 आ जाएगा। और इसको लगभग 26 ही मान लिया जाता है। इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों कि आपको बोर्ड एग्जाम 2024 के अंदर 80 में से 26 नंबर आपको लाने होंगे। जब कम लाते हो तो आपको कंपार्टमेंट लग जाएगा, फिर आपको कंपार्टमेंट का एग्जाम देना होगा। अब कंपार्टमेंट का एग्जाम और मेन बोर्ड का एग्जाम बच्चों दोनों इक्वल चलते हैं। शानदार पेपर आता है, कंपार्टमेंट का भी अव्वल दर्जे का पेपर आता है। इसीलिए आप इतना दूर की मत सोचना, आज से ही आप कंटिन्यू हमारे साथ जुड़ जाइए, तैयारी अपनी बेहतर कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर रेगुलर आपको वीडियोज मिलते रहेंगे। याद रखिए, आपको यदि 10वीं क्लास पास करना है तो 26 नंबर आपको लाना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं हम 12th क्लास के स्टूडेंटों की, उनको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए। देखो, 12th क्लास में ना सब्जेक्ट थोड़े से बढ़ जाते हैं। सब्जेक्ट बढ़ने का मतलब क्या है? ये डिवाइड हो जाते हैं चार भागों में। चार भाग कौन कौन से? एक तो आपका हो जाएगा साइंस का, एक आपका हो जाएगा आर्ट्स का, एक हो जाएगा आपका कॉमर्स का, एक हो जाएगा आपका एग्रीकल्चर का, ठीक है। और इन चारों सब्जेक्टों में आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी और नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी इंक्लूड होते हैं,
ठीक है, मैं एक का समझा देता हूं आपको, बाकी आप समझ जाना। यदि आपका एग्जाम इतने नंबर का हो रहा है उस सब्जेक्ट का भी, तो उसी के अकॉर्डिंग आप लगा लेना कि आपका पासिंग मार्क्स इतना है। मैं बात करता हूं साइंस क्लास के बच्चों की। देखिए साइंस क्लास के जो बच्चे हैं उनके पास क्या होता है, एक तो फिजिक्स होता है, एक आपका केमिस्ट्री होता है, एक आपका बायोलॉजी होता है, एक आपका मैथमेटिक्स होता है, ठीक है, मैथ होता है आपका, ठीक है, ये आपके पास कुछ प्रमुख सब्जेक्ट होते हैं। साथ के साथ आपके पास हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर भी होता है, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एडिशनल सब्जेक्ट लेते हो या फिर नहीं लेते हो, ठीक है। देखिए जो फिजिक्स है, जो केमिस्ट्री और जो बायोलॉजी है, ये आपके क्या है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। मैथ, हिंदी, इंग्लिश, ये आपके नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। अब बात करें हम नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की पहले, तो आपका इसका एग्जाम भी 80 नंबर का होगा, इसका एग्जाम भी 80 का होगा, इसका एग्जाम भी 80 का होगा, और सेम चलेगा इसका पासिंग मार्क्स, जैसे कि 10th क्लास वालों का चला है, क्योंकि वो 26 नंबर ला रहे थे। तो याद रखिएगा, आपको मैथ में पास होने के लिए 26 चाहिए, हिंदी में 26 चाहिए और आपको इंग्लिश में भी 26 नंबर चाहिए। अब बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इनमें आपको पास होने के लिए कितने मार्क्स लाने होंगे। देखिए इनका जो एग्जाम होता है थ्योरी का, मैं आप सभी को बता दूं, वो आपका होता है 70 मार्क्स का। कितने मार्क्स का होता है बच्चों, 70 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है, और जो बाकी के 30 मार्क्स है वो स्कूल की तरफ से भेजे जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो 70 का आप निकाल लो 33%, हमेशा निकाल लेना है, जितना आपका 33% निकल कर आएगा वो आपका रहेगा पासिंग मार्क्स 2024 का। देखिए कैसे निकालते हैं, 70 गुणा में परसेंटेज हटाया तो बट्टे में कितना आया, 100 आया, एक जीरो से एक जीरो कट गई, कितना बचा, 7 × 33/10। अब आप 7 को मल्टीप्लाई कर लीजिए 33 के साथ, देखिए 7 × 21, 21 का एक हासिल आई 2, 7 × 21, 21 और 2 ये आपका हो जाएगा 23, बट्टे में कितना है 10। अब आप भाग लगाते हो तो आपका आ जाएगा 23.1, इसको ना आप 23 मानकर ही चलिए। तो देखिए बच्चों, आपको यदि प्रैक्टिकल जो सब्जेक्ट है आपका, उसको आपको पास करना है 2024 के अंदर, तो आपको लाने होंगे 23 नंबर। यदि आप 23 नंबर से कम नंबर लाते हो तो आपको उस सब्जेक्ट के अंदर कंपार्टमेंट भी लग सकता है, और साथ के साथ नंबर और बहुत ज्यादा कम लेकर आए आप, तो आप फेल भी हो सकते हो। इसीलिए आप याद रखिए कि आप यदि 23 नंबर लाते हो तभी आप पास होंगे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में, और नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में 26 नंबर लाओगे तभी आप पास होंगे। तो दोस्तों, ये थे आपके पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया, और आप सभी के लिए खुशखबरी की बात ये है कि हमारे चैनल के ऊपर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, 10th की साइंस, मैथ की तैयारी करवाई जा रही है, मॉडल सेट करवाए जा रहे हैं, हर चैप्टर वाइज आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाए जा रहे हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाए जा रहे हैं, मात्र वाले क्वेश्चन भी करवाए जा रहे हैं, बीमा वाले क्वेश्चन भी करवाए जा रहे हैं, साथ के साथ उनका जो पीडीएफ है ना दोस्तों, पीडीएफ जो है उनका क्लासों का, वो आपको फ्री में दिया जा रहा है। बताइए इससे अच्छा और क्या होगा, सारी क्लासें आपको फ्री में दी जा रही है। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जैसे कोई अपडेट रहता है जैक बोर्ड से रिलेटेड, और जो भी वीडियो हम बनाते हैं उसका जो पीडीएफ है वो वहां पर अब हम अपलोड कर देते हैं। तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।